कौन कौन सी बलाओं को भगाएंगी आपा? एक बलाओं का सहारा तो रह गया है मेरी जिंदगी में, वो भी भाग जाएंगी तो अकेली पड़ जाऊंगी मैं। हाय माँ जबिन, क्या हो गया? ऐसी बात क्यों निकाल रही हो मुंह से? अकेले पड़े तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों पढ़ने लगी? इधर आ, मैं तेरी नजर उतार। अब मुझे किसकी नजर लगेगी? हाय, मुझे तो लगता है कि आज मेरी नजर लग जाएगी। बहुत खुश हूं मैं, बहुत प्यार आ रहा है। अच्छा, सब खैरियत तो है? हाँ, अल्लाह ने खैर ही तो की है, तभी तो मेरी माँ जबीन पराई होने जा रही है। पराई? ये क्या कह रही हैं आप? माजबिन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला ये इतना नेक काम इस कदर खुश असलूबी से मेरे हाथों से करवा देगा। पहलिया क्यों बुझवा रही हैं आप? बताएं ना क्या बात है। बता रही हूँ, ऐसी बेसब्री क्यों हो रही हो? बस ये समझो माजबिन कि अल्लाह ने तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल कर ली है, अपनी बारगाह में तुम्हारी हाजिरी कबूल कर ली है। बस तुम सफरे मुबारक की तैयारी पकड़ो। कोई रिश्ता मिल गया है क्या? समझो मिली गए, क्या मतलब? एक लड़का मिला है, मैंने रिश्ते की बात चलाई उससे, मुझे यकीन है कि वो इनकार नहीं करेगा। लड़का मेरे लिए? लड़का है, कोई बुड्ढ ठेला नहीं है, ऐसा खूबसूरत खूब शक्ल नौजवान है, पढ़ा लिखा है, नेक है, दयानतदार है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गैर शादीशुदा है, बस गरीब है थोड़ा सा। अरे नहीं आपा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं सोची थी कि पढ़ा लिखा खूबसूरत गैर शादीशुदा भला मुझसे क्यों शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा तुमसे शादी? तुम्हें किस चीज की कमी है माँ जबीन? हसीन ऐसी कि हूरत देख के शर्मा जाए, फिर कोट ही है, धन है, दौलत है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेक हो, पारसा हो, कोई झक्की होगा जो तुमसे शादी नहीं करेगा।